डॉक्टर साहब मेरा फोन। देखिए आप टेस्ट कीजिए, आपके घर वालों को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। डॉक्टर साहब मेरा फोन दीजिए प्लीज। अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब प्लीज फोन दीजिए। भाई साहब, भाई साहब ये सब कैसे हो गया? आप ठीक तो ना? भाई साहब इस हालत में आप किसे फोन कर रहे हैं? भाई साहब डॉक्टर, भाई साहब अबीरा को फोन मिला रहे थे। ये क्या कर रहे हो तुम? रूही मैम के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूं। उन्होंने कहा था ना कि आपसे 5 फुट की दूरी मेंटेन करके रखनी है। अब बस करोगे तुम? चलिए पार्टी के लिए तैयार हो जाइए। स्टॉप इट। नो चांस। अबीरा सर प्लीज, आप लेट हो रहे हैं। फिर सर इनफ अबीरा। सर प्लीज अबीरा। नो ये क्या है सर? आप ये क्या कर रहे हैं सर? सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज जी। संजय जी कैसे कॉल किया? शादी की तैयारियों में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? वो तो अब पता चलेगा। आपने अरमान की बैचलर्स पार्टी के लिए डांसर का इंतजाम किया? सर पहले अबीरा ने डांसर्स के लिए मना किया, बाद में अरमान सर के दोस्तों ने कहा कि डांसर्स चाहिए, तो मैं बस अभी उसी के अरेंजमेंट में लगी हूँ। बाहर से किसी को बुलवाने की क्या जरूरत है? अरमान की बैचलर्स में आप अबीरा को ही भेज दीजिए। हेलो मिस्टर अरमान पदार, आर यू एंजॉयिंग योर पार्टी? कैसी वाइब्स हैं? आई लव इट रूही। मुझे पता था ये ऐसा अरेंजमेंट तुम्हीं ने प्लान किया होगा। ये समर कूल थीम कॉलेज के दिन याद आ गए। थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली अरमान, ये पार्टी की थीम्स और अरेंजमेंट मैंने नहीं, मिस शर्मा ने चूज किया है। रूही मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ। मेरे मना करने के बाद भी मिस शर्मा ने इस थीम को चूज किया। क्योंकि रूही, मिस शर्मा अरमान की चॉइस तुमसे ज्यादा अच्छी जाती है। मैं अरमान सर की पार्टी में परफॉर्मर भेजने वाली थी, लेकिन इतने कम टाइम में कोई परफॉर्मर मिल ही नहीं रही। ठीक है मैम, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? फिर तो तुम्हें ही उस पार्टी में जाना पड़ेगा। मैं वहाँ नहीं जा सकती। अबीरा मत भूलो, इससे पहले तुम बेरोजगार थी, तुम्हें उस पार्टी में जाना ही होगा। ये खुशबू तो अबीरा के परफ्यूम जैसी है। अरे परफॉर्मर आ गई। What nonsense. ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।